व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम फ्लैश फिल टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे। ये प्रॉपर्टी एमएस एक्सेल 2013 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुई थी। अगर आप भी अपना वक्त बचाना चाहते हैं तो एमएस एक्सेल की इस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं ये इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है और इसका इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास इनवॉइस नंबर मौजूद है जो कि तीन पार्ट्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट पार्ट के अंदर फर्स्ट फोर डिजिट्स में इनवॉइस नंबर है और सेकेंड पार्ट के अंदर जो थ्री डिजिट्स हैं ये मिडल नेम, ये कंपनी नेम है और लास्ट में ईयर है। हम इसमें सिर्फ इम्प्लॉई इनवॉइस नंबर को अलग करना चाहते हैं तो आप फ्लैश फिल के थ्रू इसको इजीली कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर फर्स्ट फोर डिजिट्स पर मुश्तमिल इनवॉइस नंबर टाइप करें और निचले सेल पर क्लिक करें और कंट्रोल ई प्रेस करें। ये शॉर्टकट की है फ्लैश फिल की। देखें कितनी आसानी के साथ हमने फर्स्ट फोर डिजिट्स अपने हासिल कर लिए हैं। अगर आपका डाटा 100 और 1000 एंट्रीज पर मुश्तमिल है तो आपके लिए इसमें से मखसूस डाटा को अलग करना बहुत ही मुश्किल काम है, जबकि फ्लैश फिल के ज़रिए से आप इस काम को मिनटों में कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं इसको हम दो तरीकों से और कर सकते हैं। जस्ट यहाँ पर फर्स्ट फोर डिजिट्स टाइप करें, सेलेक्ट करें, होम टैब में फिल पर क्लिक करें। यहाँ आप देख सकते हैं फिल के ऑप्शन मौजूद है, इस पर क्लिक करें और ड्राप डाउन में फ्लैश फिल पर क्लिक करें। या आपको अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हासिल हो चुका है। इसके अलावा आप इसको डेटा टैब में मौजूद ऑप्शन से भी एक्सेस कर सकते हैं। इसको सेलेक्ट करें, डेटा टैब पर क्लिक करें और यहाँ से आप डेटा टूल्स वाले सेक्शन से फ्लैश फिल को एक्सेस कर सकते हैं। आप देख सकते हैं आपको अपना डिज़ायर्ड रिज़ल्ट हासिल हो चुका है। मूव करते हैं नेक्स्ट ट्रिक की तरफ। अब आप मिडल थ्री डिजिट्स हासिल करना चाहते हैं। मिडल थ्री डिजिट्स यहाँ पर टाइप करें PFL, नीचे सेल पर क्लिक करें, कंट्रोल ई प्रेस करें। देखें कितने आसानी के साथ हमें रिज़ल्ट हासिल हो चुका है। अब आप लास्ट फोर डिजिट्स ईयर हासिल करना चाहते हैं, जस्ट टाइप करें, कंट्रोल ई प्रेस करें। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हमारे पास नेम मौजूद है, एक ही सेल में फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम टाइप हुआ हुआ है। हम इसको अलग-अलग कॉलम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं। व्यूअर्स, 2013 वर्जन से पहले हम ये तमाम काम टेक्स्ट टू कॉलम प्रॉपर्टी जो कि डेटा टाइप में यहाँ मौजूद है इसके थ्रू हम करते थे। अब हम फ्लैश फिल के थ्रू इसको ईजिली आसानी से कर सकते हैं और मिनटों में कर सकते हैं। फर्स्ट नेम आप जस्ट यहाँ पर फर्स्ट नेम टाइप करें, मोहम्मद, मिडल नेम अहमद, लास्ट नेम अंसारी। अब आप जस्ट यहाँ पर फर्स्ट नेम के नीचे क्लिक करें, कंट्रोल ई प्रेस करें, मिडल नेम कंट्रोल ई, लास्ट नेम कंट्रोल ई। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से, कितनी जल्दी से हमने अपने इस डाटा को टेक्स्ट को कॉलम्स में कन्वर्ट कर लिया, फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम अलहदा कर लिया है। अब मूव करते हैं ट्रिक नंबर फाइव में। यहाँ पर हम इस नेम को अपर केस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जस्ट आप कैप्स लॉक ऑन करें और यहाँ पर इसको टाइप करें अपर केस में, टेस्ट ऑफ सेल्स को अप्लाई करने के लिए नीचे क्लिक करें, कंट्रोल ई प्रेस करें। आप देख सकते हैं तमाम का तमाम नेम्स अपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर इसको टाइप करें लोअर केस में, क्लिक करें, कंट्रोल ई प्रेस करें, लोअर केस में कन्वर्ट हो गया। प्रॉपर केस में होता यह है कि हम हासिल करना चाहते हैं नेम्स मोहम्मद एम बड़ा, अहमद का ए बड़ा, अंसारी का ए बड़ा, तो ये प्रॉपर केस में आप इसको लिखना चाहते हैं। यहाँ पर प्रॉपर केस में टाइप करें और जस्ट कंट्रोल ई प्रेस करें। आप देख सकते हैं तमाम के तमाम नेम्स प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो चुके हैं। नेक्स्ट मैजिक की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हम सर नेम के साथ मिस्टर लगाना चाहते हैं तो जस्ट आप मिस्टर अंसारी टाइप करें, कंट्रोल ई प्रेस करें। अब आप देख सकते हैं आपको डिज़ायर्ड रिज़ल्ट आपका हासिल नहीं हुआ तो आप किसी और सेल के अंदर, इससे निचले सेल के अंदर एक दफ़ा और मिस्टर स्पेस सर नेम टाइप करें और कंट्रोल ई प्रेस करें। अब आप देख सकते हैं कि फ्लैश फिल ने तमाम के तमाम टेक्स्ट पर सर नेम के साथ मिस्टर ऐड कर दिया है। ट्रिक नंबर सेवन की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, लास्ट नेम को फुल नेम में कन्वर्ट करना है। यहाँ पर लास्ट नेम हम यहाँ से टाइप कर लेते हैं, आप देख सकते हैं आपको ने फुल नेम में कन्वर्ट करना है और उसके दरमियान में डैश लगानी है तो आप जस्ट इसको टाइप करें और कंट्रोल ई प्रेस करें। आप देख सकते हैं किस तरह से आप
फुल नेम में अलग अलग सेल्स में मौजूद अलग अलग कॉलम्स में मौजूद टेक्स्ट को हमने फ्लैश फिल के थ्रू इकट्ठा कर दिया है। अब आप इनिशियल लिखना चाहते हैं, जैसे ये एम ए फर्स्ट नेम के साथ एम लगा है और लास्ट के साथ ए लगा है, तो एम ए टाइप करें और कंट्रोल ई प्रेस करें। देखें कितनी आसानी के साथ तमाम नेम के साथ इनिशियल ऐड हो चुके हैं। टिक नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं। अगर आप नेम को ईमेल आईडी में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जस्ट टाइप करें दूसरे सेल पर क्लिक करें, कंट्रोल ई प्रेस करें। देख सकते हैं तमाम के तमाम नेम्स आईडी में कन्वर्ट हो चुके हैं और उनके साथ लिंक भी लग चुका है। इस पर क्लिक करके आप इसको जीमेल को एक्सेस कर सकते हैं आईडी को। अब आप इस डेट को डे डेट में से डे को मंथ को ईयर को अलग करना चाहते हैं, जस्ट आप डे लिखें, डे है 15, मंथ है 9, ईयर है 2022। कंट्रोल ई कंट्रोल ई कंट्रोल ई। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर उसने गड़बड़ कर दी है, तो आप इनको डिलीट करें सेल्स को। फ्लैश फिल की ऑप्शन को एक्सेस करने के लिए बाज़ दफ़ा इस तरह की मिस्टेक्स आएँ तो आप सेल में एग्जैक्ट नंबर टाइप करें, यहाँ पे 2000 है, और अब आप कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो आपकी वो एरर नहीं आएगी। आप देख सकते हैं बिल्कुल हमें एग्जैक्ट और दुरुस्त रिजल्ट हासिल हो चुका है। अब आप यहाँ पर ये मंथ्स हैं, 12 मंथ्स हैं, इनमें से इनके फर्स्ट थ्री अल्फाबेट फर्स्ट थ्री डिजिट्स को लेकर करना चाहते हैं, जस्ट लिखें, सेलेक्ट करें। यहाँ से अब आपको करके दिखाता हूँ, होम में फ्लैश फील्ड पर क्लिक करें और फ्लैश फील्ड की क्लिक करें, आप हासिल कर सकते हैं इजीली फर्स्ट थ्री डिजिट्स। अपनी ट्रिक नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग ट्रिक है। यहाँ पर डेटा दिया गया है हमारे पास 5 कॉलम्स में, इसके अंदर यहाँ पर है नेम, यूनिट्स, प्रोडक्ट और नेम ऑफ कंपनी, आप देख सकते हैं। तो हमने इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करना है, जैसे यहाँ पर लिखा है मिस्टर मोहम्मद अहमद, मिस्टर लगा दिया अहमद के साथ, मोहम्मद अहमद के साथ, सोल्ड सोल्ड यूनिट से पहले सोल्ड लगाया है, सोल्ड 50 यूनिट्स ऑफ कीबोर्ड एट द रेट PKR 500 ईच टू ABC कंपनी। इसको भी हम फ्लैश फील के थ्रू इजीली कर सकते हैं, जस्ट कंट्रोल ई प्रेस करें। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर एरर आ चुकी है, इधर HR आ गया, इधर QR आ गया। आप जस्ट एक दफा नाम और टाइप करें यहाँ पर, मिस्टर सोल्ड 40 यूनिट्स ऑफ माउस एट द रेट पाकिस्तानी रुपीस 150 ईच। ये आप सेकंड रो का डाटा ले रहे हैं यहाँ पर, 2XYZ कंपनी। अब इसको टाइप कर दिया है, अब इनको आप डिलीट कर दें निचलों को। अब आप देख सकते हैं आप इजीली डिजायर्ड रिजल्ट आपका हासिल हो चुका है, फ्लैश फील में तमाम डेटा को कन्वर्ट कर चुका है। तो फ्लैश फील के अंदर अगर आपके पास किसी कॉलम में एरर आती है तो आप निचले वाले सेल पर ट्राई करें, ताकि एक्सेल को इस प्रॉपर्टी को समझने में आसानी हो कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अब आप देख सकते हैं मेरे पास एरर आई है, तो मैंने दोबारा से उस रो को दोबारा से टाइप किया है। अब आप देख सकते हैं तमाम रोज के अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट और ठीक रिजल्ट हमें हासिल हो चुके हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं मिस्टर, सबसे लास्ट में देखते हैं मिस्टर अख्तर हफीज सोल्ड 5 यूनिट्स ऑफ प्रिंटर एट द रेट 6000 ईच टू XYZ कंपनी। तो इस ट्रिक के जरिए आप इजीली सेंटेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने डाटा को। अब आप यहां देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास एक नंबर मौजूद है, इस नंबर को हमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो दोबारा से टाइप करते हैं प्लस, इसके साथ हमने कोड लगाना है प्लस 92 स्पेस 322 स्पेस 1234589, जस्ट टाइप करें और कंट्रोल ई प्रेस करें। देख सकते हैं रेस्ट ऑफ सेल्स पे सेम फॉर्मेट लग चुका है। ये मैजिक था फ्लैश फील का नंबर 13। अब नंबर 14 मैजिक की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि हमारा डाटा टेक्स्ट और नंबर्स के अंदर मिक्स हुआ हुआ है। आप देख सकते हैं इसके अंदर नंबर्स भी घुसे हुए हैं और ये टेक्स्ट भी है, इसको अलहदा करना है। जस्ट आप टेक्स्ट को यहाँ पर अलहदा करें, हसन नंबर है इसके अंदर, एम्प्लॉय ID 101 इसको अलहदा करें और कंट्रोल प्रेस करें। अब यहाँ पर हमें रिजल्ट हासिल नहीं हुए, अब आप क्या करेंगे इसको अलाइनमेंट ठीक कर लें, इसकी डिलीट करें और यहाँ पर दोबारा टाइप करें AKHTAR 102 कंट्रोल ई। इसको टेक्स्ट को हम
थोड़ा सा और पेस्ट कर देते हैं निचले सेल्स में, इसको दोबारा से अप्लाई करके देखते हैं और फ्लैश फिल के थ्रू इसको अलहदा करना सीखते हैं। हसन 101 कंट्रोल ई, रिजल्ट हासिल नहीं हुआ है, इसको डिलीट करें, दोबारा से टाइप करें कंट्रोल ई। अब देख सकते हैं आप फ्लैश फिल ने हमें अपना बिल्कुल एग्जैक्ट और ठीक रिजल्ट दे दिया है। तो आप इस पे घबराएं नहीं बल्कि टाइप करते जाएं ताकि इस प्रॉपर्टी को इजीली समझने में आसानी हो कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अब यहाँ कंट्रोल ई प्रेस करने देंगे, कितनी आसानी के साथ एम्प्लॉई आईडी फ्लैश फिल ने अलहदा कर दिए हैं। व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, इसमें मैंने आपको डिफरेंट फ्लैश फिल के मैजिक्स के बारे में बताया है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और चैनल को सब्सक्राइब करें टी एस स्टडीज़, और देखते रहिए